अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है KI Select KR Calling Watch की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस वॉच का गिव अवे भी करने जा रहा हूं, तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेक श्योर वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को सारे स्टेप्स का पता चल सके कि किस तरह आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी प्राइस की बात करें तो प्रीवियसली तो इसकी प्राइस 9,000-9,500 के आसपास थी, लेकिन आजकल डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से ऑनलाइन मार्केट में इसकी प्राइस 12,500 के आसपास चल रही है। अगर आप ये वॉच ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर खरीद सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर इस वॉच की प्राइस अभी तक 10,500 के आसपास है, आगे जाके ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है, लेकिन अभी आपको 10,500 की मिलेगी। यहाँ पे इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है कि भाई 30 दिनों का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगी ये वॉच। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 70 डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स मोड्स देखने को मिलते हैं। इसमें एक काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़े का फीचर है, वो ये कि इस वॉच में आप कॉल्स कर भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, यानी कि आपको कॉलिंग फीचर भी देखने को मिलता है, जो कि इससे पहले हमें एप्पल और सैमसंग में देखने को मिलता था। तो तीसरे नंबर पे भाई ये वॉच आ चुकी है जिसमें इस प्राइस कैप में आपको कॉलिंग फीचर भी देखने को मिल रहा है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग और डिटेल में चेकआउट करेंगे इसके फीचर्स और देखेंगे कि हमें KI Select KR वॉच को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंस्टाग्राम पर जाकर जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पे आजकल भाई बहुत सारी लेटेस्ट रील्स अपलोड कर रहा हूँ, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं KI Select KR कॉलिंग वॉच को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ, जहाँ पे काफ़ी खूबसूरत सा रब्बा बनाया गया है, KI Select को मेंशन किया गया और नीचे कॉलिंग वॉच KR को मेंशन किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे लिखा गया कि भाई इस वॉच में आपको एक चिप भी देखने को मिलेगी, यानी कि एक्चुअल में एक प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि दुनिया में इस वक्त तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर एप्पल, फिर सैमसंग, जो कि प्रोसेसर प्रोवाइड करते हैं वॉचेज में, और अब इस प्राइस कैप में भी आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉल्स देखने को मिलेंगी, 1.32 का सेमी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 70 डिफरेंट किस्म के स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट, म्यूजिक प्लेयर और पासवर्ड प्रोटेक्शन की भी सपोर्ट देखने को मिलती है। बैक साइड पे इसके कुछ बारकोड्स मेंशन किए गए हैं, जिनको स्कैन करके आप इसकी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ग्लोरी फिट के नाम से इसकी ऐप है, जिसको डाउनलोड करके आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और भी काफी सारे फीचर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिनको बॉक्स खोलने के बाद देखते हैं। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी KI Select कॉलिंग वॉच। फिलहाल रख लेते हैं इसको साइड पे, एक नज़र बॉक्स में देख लेते हैं कि इसमें और क्या है। तो यहाँ पे आपको इसकी एक पावर केबल देखने को मिलेगी, जो कि कुछ इस टाइप की है, और ये आपकी वॉच के नीचे से कनेक्ट हो जाएगी। लाइक यहाँ पे इसका कनेक्टर बना हुआ है, तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगी और ये आपकी वॉच को तकरीबन 25-30 मिनट में फुल चार्ज कर देगी। आगे चल के यहाँ पे इसके कुछ यूज़र मैनुअल्स हैं, जिसमें इसके सारे फीचर्स को मेंशन किया गया। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपनी वॉच की तरफ और स्टिकर को उतार लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारी KI Select KR कॉलिंग वॉच एंड इट लुक्स टू गुड। अब यहाँ पे सबसे पहले बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें IP68 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन है, यानी कि आपकी वॉच वाटर प्रूफ है, और अगर आप इसको पानी में भी लेके चल जाते हैं तो इस वॉच को किसी किस्म का कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे डिज़ाइन की बात करूँ तो डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, स्पेशली स्ट्रैप्स की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और इसके डायल का साइज़ भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सारा बड़ा लग रहा है। जल्दी से कर लेते हैं वॉच को ऑन और देखते हैं ये चलने में कैसी है। जी हाँ, हमारी वॉच यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, 1.32 इंचेस का सेमी एमोलेड डिस्प्ले लगाया गया है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे बुरी लग रही है कि यहाँ पे इसके बेजल्स काफ़ी ज़्यादा मोटे मोटे हैं, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले का रिजल्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे इसके कलर काफ़ी शार्प और पंची निकल के सामने आ रहे हैं। अब सेमी एमोलेड डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले नहीं होता, तो यहाँ पे ऑलवेज ऑन का फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा इस वॉच में, ये डेफिनेटली एक बुरी बात है। सेमी एमोलेड कंपनी ने बस एमी एमोलेड को साथ मेंशन कर दिया है, हालांकि ये नॉर्मल डिस्प्ले है, किसी किस्म का एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। अब यहाँ पे इस वॉच का अगर हम वेट चेकआउट कर लें कि वॉच का हमारा वेट क्या है, तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। हमारी वॉच का वेट है सिर्फ और सिर्फ 55 ग्राम्स, तो काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बल्की है और हाथ में पहनी हुई काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लगती है। तो अब बात कर लेते हैं हम इसके कुछ फीचर्स की। अगर आप यहाँ से इसको स्वाइप डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसके काफ़ी सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले इसका टॉर्च का ऑप्शन है, जो कि आपके डिस्प्ले को टोटली वाइट कर देगा और आपको कुछ नज़र आने लग जाएगा अंधेरे में भाई। इसके बाद यहाँ पर डोंट डिस्टर्ब का मोड अवेलेबल है, साथ ही साथ यहाँ पे कॉलिंग का फीचर भी अवेलेबल है, ब्राइटनेस मोड अवेलेबल है, यहाँ से आप ब्राइटनेस को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये फीचर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि यहाँ पे आप ब्राइटनेस को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें आप अपने डायल को सेट कर सकते हैं, थीम सेट कर सकते हैं, ब्राइटनेस, स्क्रीन टाइम, साउंड, इन्फो,
घड़ी को ऑफ कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं और इसको QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे एक चिपसेट लगाया गया है तो यहाँ पे इस वॉच को आप पासवर्ड से लॉक भी कर सकते हैं। डेफिनेटली ये काफ़ी ज़्यादा कमाल फीचर है। अब आगे चल के इसके कुछ मजीद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सारे मॉड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। आप कितनी वॉकिंग कर रहे हैं, कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये वॉच आपको दिखाएगी। कितना आप लोगों ने ट्रैवल कर लिया, ये सब कुछ दिखाएगा। इसको आगे स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे आपका हार्ट रेट भी मॉनिटर करेगा। डेफिनेटली ये बहुत ज़बरदस्त बात है और मैंने इसको यूज़ करके देखा है, मुझे ये काफ़ी हद तक परफेक्ट लग रही है। इसके बाद जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि यहाँ पे ये आपके ऑक्सीजन को भी चेक करता रहेगा। भाई पिछले दिनों कोविड आया था, बीमारी आई थी, तो उसमें काफ़ी सारे ऑक्सीजन मीटर्स बिके, लेकिन ये आपकी वॉच में बिल्ट इन फीचर आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आपकी स्लीप को भी ट्रैक करेगा। अगर आप ये पहन के सो रहे हैं तो भाई कितनी देर आप अच्छे तरीके से सोए, कितनी देर डिस्टर्ब हुए, कितनी देर नहीं सोए, ये सब कुछ ट्रैक करके आपको बताएगा। इसके बाद यहाँ पे वॉच से ही आप अपने फ़ोन में म्यूज़िक को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आगे चलें तो यहाँ पे आप कुछ बोल के एप्पल और एंड्रॉयड दोनों ही के साथ, यानी कि अगर आपने एप्पल के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो सीरी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और अगर एंड्रॉयड के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो गूगल असिस्टेंट के साथ भी इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये वेदर भी दिखाएगा और ये वही वेदर दिखाएगा जो कि आपके फ़ोन में होगा। आगे चलें तो यहाँ पे गेम्स भी अवेलेबल हैं। भाई मैं हैरान हो गया ये चीज़ देख के। अब क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेटली प्रोसेसर लगाया गया तो यहाँ पे कंपनी ने गेम्स भी फिट कर दी हैं और मैंने इनको खेल के देखा, मुझे काफ़ी मज़ा आया, मतलब टाइम पास अच्छा सारा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इसको नीचे से स्वाइप अप करें तो यहाँ पे आपके पास मैसेज भी आ जाएंगे। अगर आपके फ़ोन में कोई मैसेज आया है और आपने उसको एक्टिवेट किया हुआ है तो वो वॉच में भी शो होगा, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। स्वाइप राइट करेंगे तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे स्टेटस खुल जाएंगे जिसमें आपको सारी ऑप्शंस देखने को मिलेंगी। फ़ोन, हार्ट, स्लीप, SPO2 मॉनिटर, वेदर, म्यूजिक, मैसेज, अलार्म क्लॉक, प्रेशर, मूड, आपके मूड को भी चेक करता है कि भाई आप लोग परेशान तो नहीं है, रिलैक्स बैठे हैं, ब्रेथ रेट, ब्रेथ, गेम्स, AI वॉइस, यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा जिसमें आप जाके अपने घड़ी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेटिंग्स में जाके अगर आप डायल पे जाएंगे तो यहाँ पे आप अपनी वॉच के फेसेस को भी चेंज कर सकते हैं। डेफिनेटली आप ये फेसेस फ़ोन में से भी चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे ग्लोरी फिट ऐप है तो वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे फ़ोन के साथ ये वॉच कनेक्ट है और मैं अगर आपको दिखाऊं और यहाँ से कॉल करके देखते हैं कि भाई कॉल जाती है या नहीं जाती, तो यहाँ से हम कॉल करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन। यहाँ से हम फ़ोन में गए और यहाँ से कीपैड हमने कॉल लॉग्स में चले गए और यहाँ से हम कोई भी नंबर डायल कर लेते हैं, जिस नंबर को हमने डायल कर लिया, और आप चेकआउट करें कि मेरे फ़ोन से भी वही नंबर डायल होने लग गया। और यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी कॉल क्वालिटी दिखाऊं और यहाँ पे ये देखें, मेरे इस फ़ोन में बैलेंस नहीं है लेकिन यहाँ पे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर आ रही है और यहाँ पे आप इस वॉच से कॉल भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं और इसमें से बोल भी सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि यहाँ पे स्पेसिफिकली एक माइक लगाया गया है तो यहाँ से आपकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा क्लियरली चल जाएगी सामने वाले को। अब चलते हैं ज़रा फ़ोन की तरफ और देखते हैं कि ग्लोरी फिट ऐप में इसके क्या क्या फीचर्स हैं। ग्लोरी फिट में जाएंगे तो यहाँ पे ये वॉच हमारी कनेक्ट है और ये कनेक्टिंग आ रहा है और यहाँ पे भी ये आपको सारी चीज़ें दिखाएगी, जिसमें आपका स्लीप रिकॉर्ड दिखाएगी, हार्ट रेट दिखाएगी, साथ ही साथ आपके ब्लड में ऑक्सीजन इस वक्त कितनी है वो दिखाएगी, इस वक्त प्रेशर कितना है, हमारा मूड क्या है, वो सब कुछ आपका डिटेक्ट करेगी। तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर्स हैं। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में जाएंगे तो बताएगी कि भाई आपने इंडोर कितनी रनिंग की है, आउटडोर कितनी रनिंग की है, माउंटेन हाइक कितनी की है। डिवाइस में जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसके फेसेस चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये मेरी वॉच कनेक्ट हो चुकी है, डिवाइस में हम आ चुके हैं और यहाँ पे वॉच फेसेस में जाएंगे तो ये काफ़ी सारे फेसेस यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हुए हैं और यहाँ से आप अपनी वॉच का फेस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे ये वॉच काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है इस प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सारे फीचर्स हैं। स्पेशली कॉलिंग फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसके अलावा यहाँ पे आपका स्लीप को मॉनिटर करता है, आपकी ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर करता है, आपकी हर चीज़ को ट्रैक करता है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं और मुझे लिटरली ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है इस प्राइस पॉइंट में। अब प्रीवियसली तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा अच्छी थी लेकिन अभी डॉलर फ्लक्चुएशन की वजह से इसकी प्राइस कुछ हाई हो गई है। अल्लाह कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आया, डॉलर डाउन जाए और इसकी प्राइस भी और
डाउन जाए, लेकिन अगर डॉलर अप चला गया तो भाई इसकी प्राइस और ज़्यादा ऊपर चल जाएगी। अब बात कर लें अगर हम गिव अवे की, तो इस वॉच का मैं करने जा रहा हूँ गिव अवे। उसमें पार्टिसिपेट करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपको इसी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स में अच्छा सा कमेंट छोड़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आपको इंस्टाग्राम पे हमारे जाना है @tayyabfayaz पे। वहाँ पे इस वॉच की एक फ़ोटो लगी होगी जिसमें गिव अवे मेंशन किया होगा, उस फोटो को लाइक करना है, शेयर करना है अपनी स्टोरीज पे, अपनी वॉल पे शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, टैग करना है अपने दोस्तों को, ताकि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने का चांस ज़्यादा से ज़्यादा बन सके। अब यहाँ पे इस गिव अवे का रिजल्ट आपको मिलेगा 1 सितंबर 2022 को, यानी कि अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, तकरीबन 20 दिन है इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो मेक श्योर उसमें जाके ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।